हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन और रफ। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्रिस्टोफर मार्लो के फेमस प्ले तैमूर लेन की समरी हिंदी में लेकर आया हूँ। बहुत ही फेमस प्ले है ये ब्लैंक वर्स का फर्स्ट एग्जांपल माना जाता है। इसमें सबसे पहले क्रिस्टोफर मार्लो ने ब्लैंक वर्स का यूज़ किया था। ये प्ले 1590 में पब्लिश्ड हुआ था और इस प्ले पर ऑथर का नाम नहीं था और इसकी फर्स्ट परफॉर्मेंस 1587 में हुई थी। इसका एक टाइटल, बहुत बड़े बड़े टाइटल हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे, तैमूर लेन द ग्रेट हु फ्रॉम ए सीथियन शेफर्ड बाय हिज रेयर एंड वंडरफुल कॉन्क्वेस्ट बिकेम ए मोस्ट पुजिएंट एंड माइटी मोनार्क एंड For the tyranny and terror in war was termed the scourge of God. ये जो वर्ड है scourge of God, इस पर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। पार्ट सेकेंड का टाइटल है द सेकेंड पार्ट ऑफ द ब्लडी कंक्वेस्ट ऑफ माइटी तैमूर लेन विद हिज इम्पैशनेट फ्यूरी फॉर द डेथ ऑफ हिज लेडी एंड लव फेयर जेनोक्रेट हिज फॉर्म ऑफ एग्जॉर्शन एंड डिसिप्लिन ऑफ हिज थ्री सन्स एंड द मैनर ऑफ हिज ओवन डेथ। ये दोनों जो टाइटल हैं आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि आजकल NTA नेट जो है वो इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत पूछता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस प्ले की समरी को। तो देखिए, ये जो प्ले है दो पार्ट्स में डिवाइड है। पार्ट फर्स्ट पर्सीपोलिस में शुरू होता है, जहाँ की पर्सिया के सम्राट, जिनका नाम है सम्राट माइसेट्स, इन्होंने अपनी फौजों को सीथियन शेफर्ड और बैंडिट डाकू तैमूर लेन को हराने के लिए भेजा है। सम्राट माइसेट्स का एक ब्रदर है जिसका नाम है कोसरो। ये सम्राट को कहता है, इसकी आलोचना करता है और इसी सीन में वो सम्राट को हटाने की योजना भी बनाता है। उधर सीरिया में तैमूर जेनोक्रेट को प्रेम करता है, जो कि इजिप्ट के राजा की बेटी है। जब माइसेट्स के सैनिक हमला करते हैं तो तैमूर उन्हें समझाता है, साथ ही साथ वो कोसरो को भी समझाता है कि वो लोग माइसेट से लड़ने के लिए मेरी हेल्प करें। तैमूर कोसरो को पर्शिया के सिंहासन का वायदा भी करता है, पर लड़ाई जीतने के बाद तैमूर खुद वहां का राजा बन जाता है, जिसके बाद तैमूर और कोसरो में पर्शिया के शासन के लिए लड़ाई होती है और इस लड़ाई में कोसरो मारा जाता है। इस कामयाबी से खुश होकर अब तैमूर ने तुर्की के सम्राट बाजाजेत पर हमला किया और उसने बाजाजेत और उसकी पत्नी जबीना को अपने कब्जे में कर लिया। उसने हारे हुए राजा बाजाजेत को एक पिंजरे में रख दिया। वो उसे क्रैप खिलाकर कभी कभी बाहर निकालता है और उसका इस्तेमाल पैरों के स्टूल के रूप में करता है, यानी कि उस पर पैर रखकर वो कहीं ऊपर चढ़ता है। जब बाजाजेत को तैमूर की अगली सफलता का पता चलता है तो वो अपने सर को पिंजरे की सलाखों से टकरा कर फोड़ देता है और मर जाता है। जब जबीना को उसकी बॉडी मिलती है तो वो भी इसी तरीके से सुसाइड कर लेती है और इस तरह ये दोनों बाजाजेत और जबीना मर जाते हैं। इसके बाद तैमूर अफ्रीका को जीतता है और अपने आप को पूरे एशिया का सम्राट घोषित करता है। इसके बाद वो दमिश्क पर हमला करता है, जिसके लिए उसको अपने ससुर को हराना होगा। जेनोक्रेट तैमूर से रिक्वेस्ट करती है कि उसके पिता को छोड़ दो, तो वह उसकी बात मानकर सुल्तान को एक डमी राजा में बदल देता है। लड़ाई के दौरान दमिश्क का गवर्नर तैमूर को खुश करने के लिए उसके पास लड़कियों का एक ग्रुप भेजता है। तैमूर अपने सैनिकों को कहकर लड़कियों को मरवा देता है और उनके शरीर को शहरों की दीवारों पर टंगवा देता है।
तैमूर लड़ाई जीत जाता है। इसके बाद हमारा पार्ट फर्स्ट एंड होता है, जिसमें तैमूर और जेनोक्रेट की शादी होती है। जेनोक्रेट को पर्शिया की महारानी का खिताब दिया जाता है और हमारा पार्ट सेकंड स्टार्ट होता है। पार्ट सेकंड में हमें यह पता चलता है कि तैमूर अब अपनी बच्चों को एजुकेट करता है, वो उन्हें अपने जैसा विजेता बनाना सिखाता है और वह अपने नेबर्स पड़ोसी राजाओं पर हमला भी करता रहता है। उसके दो बेटे तो उसी की सोच के होते हैं, पर उसका जो तीसरा बेटा है जो कि है कैलिफस, कैलिफस इस सोच का नहीं होता है। वो अपनी माँ के पास रहना चाहता है, लड़ना झगड़ना नहीं चाहता है। इससे तैमूर बड़ा परेशान होता है। जब तैमूर को पता चलता है कि उसकी वाइफ बहुत बीमार है तो वो उसके पास जाता है। जब जेनोक्रेट मर जाती है तो तैमूर उस शहर को जला देता है और सबको हुक्म देता है कि कोई भी इस शहर को दोबारा ना बसाए। इधर बाजाजैद का बेटा जो था, जिसका नाम है कैलापाइन, बाजाजैद का बेटा कैलापाइन, वो जेल से भाग जाता है और वो कुछ और कठपुतली डमी राजाओं का एक ग्रुप इकट्ठा करता है ताकि तैमूर लैंग की पावर को चैलेंज कर सके और कैलापाइन की पापा की मौत का बदला लिया जा सके। दोनों फौजें लड़ाई में आपस में लड़ाई होती है और तैमूर एक बार दोबारा जीत जाते हैं। अब तैमूर को पता चलता है कि लड़ाई के अंदर कैलिफास अपने ही टेंट में रहा तो गुस्से में आकर तैमूर अपने बेटे कैलिपास को ही मार देता है। इसके बाद तैमूर और उसकी फौज बेबीलोन पहुंचती है, जहां पर वो हमला कर उसे जीत लेते हैं। तैमूर बहुत ज़्यादा हिंसक हो जाता है, वो वहां के गवर्नर को मार देता है, सारे शहर के लोगों को एक साथ बांधकर एक झील में फेंक देता है। वो कुरान की एक कॉपी को भी जलाकर खुद को बेटर देन गॉड डिक्लेयर करता है और इसके कारण वो बहुत बुरी तरह बीमार हो जाता है। इसके बाद में वो ये घोषणा करता है कि उसका बेटा एमिरस उसके बाद राजा बनेगा। और लास्ट में हमें पता चलता है कि अब एमिरस को यह चिंता होती है कि वो कभी भी अपने पिता जैसा महान नहीं बन पाएगा और यहीं पर हमारा ये जो प्ले है ये एंड होता है। फ्रेंड्स देखिए, आपको भी पता है कि हमारे कुछ गरीब भाई बहन हैं जो कि किसी न किसी कारण अपनी एजुकेशन को जारी नहीं रख पा रहे हैं। अगर आपकी नॉलेज में ऐसे कोई भाई बहन हैं तो उन्हें प्लीज़ मेरे वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप ये भी बताइए कि उन्हें किस तरह की वीडियो चाहिए, ताकि मैं वैसे वीडियो बनाकर उनकी हेल्प कर सकूँ। और अगर आप उनको ये वीडियो सेंड करते हैं तो देखिए, इससे आपको भी बेनिफिट होगा, आपको भी नए नए वीडियोस ज़रूर मिलेंगे। आप अगर इतना करते हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।